अनुबंध शिक्षकों की जिला स्तरीय बैठक द मैग्नेट पब्लिक स्कूल हमीरपुर में हुई, जिसमें 15 मई 2003 से पूर्व लगे लगभग 50 अनुबंध शिक्षकों ने भाग लिया। इस दौरान संघ के सदस्यों ने हाल ही में घुमारवीं में हुई राज्य स्तरीय बैठक में लिए गए निर्णयों को लागू करने की चर्चा की। साथ ही फैसला लिया गया कि जल्द ही इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की जाएगी, उनके समक्ष मांगे रखी जाएंगी। हमीरपुर जिला कमेटी के संयोजक चंद्र मोहन दिनेश कुमार व मोहन लाल शर्मा ने बताया कि जो अनुबंध अध्यापक 2003 से पहले लगे थे और जिन्हें 8, 10 या 11 साल बाद नियमित किया गया है, उनके हित में पूनम देवी बनाम राज्य सरकार CWP 520/2015 तथा नरेंद्र नायक बनाम राज्य सरकार केस संख्या 6785/2008 सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है, जिसे अभी तक सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया है। कोर्ट के फैसले के अनुसार उत्तक अनुबंध शिक्षकों के सेवाकाल को पुराने पेंशन के लिए जोड़ने को कहा गया है। इस लाभ को प्राप्त करने के लिए सैकड़ों शिक्षकों ने कोर्ट केस किया है। उत्तक अनुबंध अध्यापकों की नियुक्ति 15 मई 2003 से पहले होने के बावजूद उन्हें पुरानी पेंशन के हक से दूर रखा गया है। इस मौके पर राजेंद्र कुमार, सुभाष चंद्र, राजेश कुमार, ओम प्रकाश, विद्यासागर, सुषमा देवी, श्यामलाल, रविकांत, रजनीश पाल आदि उपस्थित रहे। 2003 से पूर्व नियुक्त हुए अध्यापक कमेटी समिति का संयोजक जिला हमीरपुर, हमारे जितने भी अनुबंध अध्यापक जो कि 2003 से पूर्व नियुक्त हुए थे, उनके हक में सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया है, जिसमें कि उन्हें पेंशन का फायदा देने की बात की गई है, लेकिन अभी तक उसको सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि उस फैसले को जल्द से जल्द लागू किया जाए, ताकि जितने भी अध्यापक हैं जो 2003 से पहले नियुक्त थे, उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे में लाया जा सके। हम जल्द ही इस के बारे में मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द जो कर्मचारी इस फैसले के अंदर आते हैं, अंतर्गत आते हैं, इस फैसले को जितनी जल्दी हो सके लागू किए। लागू नहीं होने की स्थिति में फिर संघर्ष किया जाएगा और आगे की जो कार्यवाही है वो जो हमारे राज्य स्तरीय कमेटी है वो डिसाइड करेगी कि क्या किया जाएगा इसके बारे में।